कैसे हैं आप लोग? पहचानते हैं ना जी हमको? कौन कौन जानता है जरा हाथ उठाइए। वाह भाई, बहुत लोग पहचानते हैं। कोई पहचानता इधर? पहचानते जरूर। चलिए आज हम लोग कुछ अच्छा कार्य करने के लिए आए। क्या करने के लिए? बुरा कार्य तो हम लोग रोज करते हैं, चलते हुए चींटी मार देते हैं, बुरा कार्य ना जी। तो आज अच्छा कार्य है किसी को बचाने के लिए। झूठ बोलना भी बुरा कार्य है। सर के सर से झूठ बोलकर कोचिंग का बहाना देना वो भी बुरा कार्य है ना। तो सब लोग तो बहाना मारते होंगे कि आज पेट में दर्द हो गया है, आज ही हो गया है, नहीं आ पाए हैं। नहीं मारते हैं, लेकिन आज अच्छा कार्य करना है। अच्छा कार्य करना नहीं करना है। अच्छा, ये बच्ची है, इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। इस 4 साल की एक मासूम बच्ची है, जो दोनों आंखों से दुनिया देखना चाहती है। क्या देखना चाहती है? दुनिया। कितने आँख से? अच्छा, हम एक आँख बंद कर ले तो हमको हो सकता है कि दुनिया ना दिखाई पड़े, सही बोल रहे ना? लेकिन जब दोनों खोलेंगे तो हमारा दूर का दृष्टि दूर तक जाएगा। तो हमें जरूरत है इस बच्ची का मदद करने के लिए, समझ रहे हैं ना? और इसके लिए कोई नेता नहीं आएगा। ये नेता का, मंत्री का, विधायक का, सांसद का, पार्षद का बेटी नहीं है, नहीं है ना जी? अगर उनका बेटी होती तो अब तक बहुत सारे नेता लोग आते। तो ये किसका बेटी है? गरीब का। किसका बेटा है? बेटी है। किसकी बेटी है? गरीब का। तो गरीब की बेटी का कौन मदद करेगा? गरीब। कौन करेगा? गरीब। तो हम जितने भी गरीब हैं, इसमें सब गरीब है ना जी? उठाइए, कोई अमीर है? बाबू है भाई। सब गरीब ही है ना। सब लोग के पिताजी किसान है ना जी? सबके पिताजी आईएएस आईपीएस तो होंगे नहीं। तो गरीब के बेटा और बेटी के मदद के लिए गरीब लोगों को साथ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सर सर जो है अपने कोचिंग में जगह दिए हैं, और सर बहुत अच्छे इंसान है, और आप लोगों का भविष्य सर के कंधे पर है। तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर आप लोगों का भविष्य जरूर उज्ज्वल कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे? सर के लिए एक बात ताली होनी चाहिए। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। बच्ची के इलाज के लिए जो है सर, बच्ची के इलाज के लिए डॉक्टर ने 15 लाख रुपया बताया। इसके आंखों में क्या हो गया? कैंसर। इन्होंने अपना खेत बेच दिया, और इनकी धर्म पत्नी ने धर्म के रास्ते पर चलते हुए तो है अपना जेवर और गहना तक बेच दिया, समझ रहे हैं? फिर भी जो है आप क्या चाहते हैं? आपकी बच्ची बच जाए, इसके लिए गिरवी इन्होंने रख दिया है। फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ है। जो पैसा इनके पास जो है 7 लाख रुपया था, उसमें 1 आंख का इलाज इन्होंने करवाया है। अब जरूरत है 1 और आंख के इलाज की, और उसकी इलाज कौन करवाएगा? तो हम लोग मिलकर करवाएंगे। कौन करवाएगा? खाना नहीं खा क्या? कौन करवाएगा? मिलकर करवाएंगे। बिहारी बनकर करवाएंगे। बिहारी है। कौन है? पहाड़ का सीना फाड़ कर रास्ता बना सकते हैं, तो इस बच्ची का इलाज क्यों नहीं करवा सकते हैं? सही करें गलत करें? सही। बिहारी 100 पर भारी होता है। कितने पर? 100। एक बिहारी अब 1000 पर नहीं, पूरे बिहार पर भारी होगा, और पूरा बिहार का लोग इस बच्ची का मदद करेगा। करेंगे नहीं करेंगे? ये आपकी बेटी है, पूरे बिहार की बेटी है, इनकी बेटी नहीं है। ये आप लोगों की बहन है, ये पूरे बिहार की बहन बेटी है कि नहीं है? तो जरूरत यह है कि इसकी मदद किया जाए, और इसलिए किया जाए ताकि समाज में पेश हो कि गरीब के बेटा और बेटी को गरीबों ने मिलकर बचाया, छात्र और छात्राओं ने मिलकर बचाया। सर का बहुत नाम है, सर बहुत प्रतिष्ठित अध्यापक है आपके। सर आइए ना सर, कहाँ चले जाते हैं? कौन बचाएगा? हम लोग बचाएंगे। कौन बचाएगा? हम लोग। हाँ, बिहार में पानी और जवानी बहुत ज्यादा है बॉस। तो हम लोग के पास जो जज्बा है, जो जुनून है, बच्चे को बचाने में तनिक भी संकोच और विचलित होने वाले हम लोग नहीं है। जो मदद हो सके हम लोग करने के लिए तैयार है। हर प्रयास हम लगा
और बहुत जल्द ये बच्चे ठीक होकर हम लोग के सामने आएंगे। जय हिंद, जय भारत।